दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लाइव देख लीजिए, ये जो चैनल है बिल्कुल नया चैनल ओपन किया गया है यूट्यूब पर, और इस चैनल पर सिर्फ 8 वीडियो अपलोड किया गया है और एक एक वीडियो पर इतना व्यूज आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखोगी तो आपके जो होश है उड़ जाएंगे, क्योंकि एक नया चैनल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ रहा है एक एक वीडियो में। तो इस चैनल पर आखिर ऐसा क्या ट्रिक्स लगाया है कि सिर्फ 8 वीडियो अपलोड किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि एक नया चैनल पर वीडियो अपलोड करने के बाद मतलब 3 से 4 व्यूज आता है, मतलब 8 वीडियो के अंदर तो ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो चैनल है, इस चैनल बिल्कुल नया खुला गया है और इस चैनल पर सिर्फ 8 ही वीडियो अपलोड किया है गए हैं और एक एक वीडियो पर व्यूज देखिए। ज़रा यहाँ पर मैं आपको व्यूज दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप काउंट कीजिए, यहाँ पर देखिए सिर्फ 8 ही वीडियो अपलोड किया है, इतना वीडियो अपलोड किया गया है और एक वीडियो नहीं है। तो सबसे फास्ट जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 दिन हो चुका है फास्ट वीडियो जब अपलोड किया है, तो फास्ट वीडियो का आज कितना हो रहा है, 8 दिन हो रहा है। 8 दिन में दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप व्यूज देखोगी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 197 व्यूज, यानी कि दोस्तों एक नया चैनल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ रहा है। हो सकता है आपकी जो चैनल है बिल्कुल नया है, तो आप भी एक बार ज़रा कंपेयर कीजिए कि आपने बहुत वीडियो अपलोड करते होंगे आपके चैनल पर, लेकिन इतना व्यूज अभी तो मुझे लगता है कि नहीं आएंगे। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर 125 व्यूज़ आया है 7 दिन में, 6 दिन में 124 व्यूज़ आया है, और 5 दिन में 124 फिर से सेम व्यूज़ आया है, 4 दिन में 105 व्यूज़ आया है। तो आखिर दोस्तों ये जो चैनल है क्या ट्रिक्स लगाया है, अभी आपको मैं बताता हूँ कि इस चैनल पर आखिर ट्रिक्स क्या लगाया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर एक नया चैनल ओपन किया है और आपके चैनल पर आपने थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड किया है और आपके वीडियो पर बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। उसके बाद दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं कि व्यूज लाने के लिए नया चैनल पर वीडियो पर व्यूज लाने के लिए आखिर क्या मतलब काम करना होता है, क्या ट्रिक्स चैनल पर लगाना होता है, यह आप जरूर सीख जाओगे इस वीडियो में। इसलिए मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है, उसके बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि सच में एक एक चैनल पर क्या अप्लाई करना होता है, खास करके नया चैनल पर। तो आपको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ज़रा आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो चैनल है, ये चैनल की एक वीडियो मैं ओपन करता हूँ। वीडियो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए एड आ चुका है, बिल्कुल नया चैनल है फिर भी यहाँ इस मतलब वीडियो पर एड चलाया जा रहा है, यानी कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो चैनल है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो मैं ये ऐड जो है स्किप करता हूँ और उसके बाद वीडियो जो है पोस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है ओपन करता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो टाइटल है नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर कॉपी करके पेस्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर यू आर क्वेरीज यहाँ पर दिया गया है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियली, यानी कि यहाँ पर टैग यहाँ पर डाला गया है, और नीचे यहाँ पर दोस्तों देखिए कि यहाँ पर हैशटैग, 3 हैशटैग डाला गया है, जैसे कि एक चैनल की हैशटैग है और 2 और मतलब जो टैग है टैग रिलेटेड यहाँ पर 2 हैशटैग डाला गया है। तो आप दोस्तों मैं सेकंड कोई भी वीडियो एक ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो वीडियो है आखिर मतलब क्या इस वीडियो पर ट्रिक्स लगाया है और इस ट्रिक्स की मदद से इतना व्यूज़ देखिए आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि मतलब कितना यहाँ पर टैग ऐड किया है। तो सिर्फ टैग से काम नहीं चलता है, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आखिर अगर आपके चैनल जो है बिल्कुल नया है तो आखिर कैसे काम करना है। ये जो टैग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारे टैग यहाँ पर ऐड किया गया है, और यहाँ पर देखिए हैशटैग भी है। तो ये तो आपको मतलब मैंडेटरी है या आपको काम करना बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ आपकी वीडियो पर अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आप दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये टैग एक साथ मतलब इतना टैग मिलता कैसे, और ये टैग की देखिए मतलब बहुत ऐसे वेबसाइट होता है, वेबसाइट से टैग आप कॉपी करके यहाँ पर पेश कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि टैग कहाँ से लेना है। सबसे पहले तो ये जो चैनल है, चैनल की अबाउट सेक्शन एक बार देख लेते हैं। चलिए मैं इस चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया है,
तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अबाउट पर क्लिक किया है तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग डेट जो है मतलब 12 अगस्त 2022 और वीडियो मतलब अपलोड करना शुरू किया है 8 दिन पहले से शुरू किया है। यहाँ पर टोटली आप व्यूज़ देख सकते हैं कि जैसे कि 8 वीडियो में 913 व्यूज़ आ चुका है। तो दोस्तों आप भी आपका जो चैनल है आप भी ज़रा एक बार कंपेयर कर लीजिए कि 8 वीडियो में फर्स्ट जो आप 8 वीडियो आपने आपके वीडियो पर सॉरी आपके चैनल पर डाला है कितना व्यूज़ आया है आप एक बार ज़रा कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर क्या ट्रिक्स लगाया है। तो दोस्तों आपको मैं मतलब बताना चाहूँगा कि आपके चैनल पर क्या ट्रिक्स लगाना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आना है बैक, बैक आने के बाद दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद एक न्यू टैब ले लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में सिंपली आपको टाइप करना है रैपिड टैग। रैपिड टैग दोस्तों अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और सिर्फ रैपिड टैग से काम नहीं चलता है ये भी मैं आपको बता दिया। रैपिड टैग पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यूज टूल पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों क्या करना कि यहाँ पर देखिए एंटर। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो के रिलेटेड यहाँ पर टैग आपको फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, मैंने यहाँ पर टाइप किया है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टैग के रिलेटेड, चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देखिए इस टैग के रिलेटेड जितना टैग है यहाँ पर सारे टैग यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहीं से नीचे देखिए कॉपी है, कॉपी पर क्लिक करके दोस्तों आपकी जो वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डालना है और टैग की जो कॉमा है कॉमा आपको हटा देना है। आप बात करते हैं कि सिर्फ रैपिड टैग से आपका जो वीडियो है रैंक नहीं करता है, आप क्या करना है कि दोस्तों फिर से मैं एक नया टैब ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक नया टैब ले लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि किसी मतलब वेबसाइट की नाम यहाँ पर सर्च नहीं करना है। जो भी वीडियो आपके चैनल पर आप अपलोड करता हूँ उस चैनल की उस वीडियो की रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड टाइप करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर टाइप किया है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब जो मतलब अगर आप एक न्यू क्रिएटर से तो आपके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। जब बड़ा बड़ा यूट्यूबर है वो भी इस तरह मतलब वीडियो पर टैग यूज़ करता है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरह स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर दोस्तों देखिए पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, यानी कि लोग ये जो नीचे जो मतलब सजेस्ट किया जा रहा है टैग ये मतलब लोग सर्च कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो टैग है दोस्तों स्क्रीनशॉट करना है या यहीं से कॉपी करके आपकी जो वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर पेस्ट करना है। आपकी जो टॉपिक है टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों और भी नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रिलेटेड सर्च, यानी कि ये जो टैग है टैग के रिलेटेड सर्च, बाकी यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि यही से दोस्तों कॉपी करना है। दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो गूगल है या क्रोम ब्राउज़र है, तो क्रोम ब्राउज़र या गूगल का मतलब सेकेंड जो मतलब अल्टरनेट वेबसाइट है यूट्यूब, यानी कि गूगल और यूट्यूब दोनों एक ही चीज़ होता है, एक ही सर्च इंजन है। इसलिए दोस्तों जो भी गूगल पर सर्च करते हो वो यूट्यूब पर देखने को मिलता है, जो भी यूट्यूब पर देखने को मिलता है वही गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों नीचे आना है, तो यहाँ पर दोस्तों और भी मतलब रिलेटेड आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टैग यहाँ पर दिया जाता है। तो एक नया क्रिएटर्स के लिए ये मतलब काफ़ी ज़रूरी है ये टैग। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ढेर सारी मतलब लिंक देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक नहीं करना है। जो भी टैग यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है वही टैग दोस्तों आपके वीडियो पर क्या करना है कॉपी करके या स्क्रीनशॉट करके आपकी जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन पर सेट करना होता है। सो यहाँ पर आप देखिए ये जो टैग है मतलब यहीं से आप डायरेक्ट कॉपी करके आपकी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन पर डाल सकते हो। और जो रैपिड टैग है रैपिड टैग से मतलब क्या करना है कि एक टैग होता है ना, बहुत सारी एक एक टॉपिक की बहुत टैग होता है, जैसे कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इनक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, तो तरह तरह करके आपको मतलब रैपिड टैग पर सर्च करना है और एक एक टैग की जो रिलेटेड कीवर्ड है सारी कीवर्ड आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डालना है। तब तो जाके आपकी जो वीडियो है आप ग्रो कर पाएंगे, आपकी जो वीडियो है आपके वीडियो पर आप व्यूज़ ला पाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में काफ़ी कॉम्पिटिशन है यूट्यूब पर, और कॉम्पिटिशन के बीच में अगर आप चाहते हो कि आपके चैनल साथ ही साथ ग्रो करना
करना है तो दोस्तों आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये जो नया चैनल है इसी तरह काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो है 8 वीडियो टोटली अपलोड किया गया है और 8 वीडियो में कितना व्यूज़ आया है, 8 दिन में 913 व्यूज़ आ चुका है। आपकी जो चैनल है आपके चैनल से एक बार जाके कंपेयर कर लीजिए, तब आपको पता चलता है कि सच में इस चैनल पर कितना मतलब हिट हो रहा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, इस चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।